अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जो कि क्लीनिंग और हाउसकीपिंग का काम कर चुके हैं और एटलीस्ट जो है उनका एक साल का एक्सपीरियंस है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस जॉब के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस जॉब की सारी डिटेल आप दोस्तों को मिलने वाली है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, एजुकेशन आपका लेवल क्या होना चाहिए, प्लस यहाँ पर आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप दोस्तों को मिलेंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना है और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि इस जॉब के लिए आपने जो किस तरीके से अप्लाई करना है। और डेली बेसिस के ऊपर जॉब्स के अपडेट हासिल करने के लिए आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे मेरे भाई जो कि फर्स्ट टाइम है इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं सबसे पहले आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, कम से कम एक साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, मेल और फीमेल दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो आपको जो कस्टमर की बात सुननी और समझानी आनी चाहिए इंग्लिश में, और इसमें जो लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू आप दोस्तों को आनी चाहिए। इसमें देखें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको होटल में काम करना पड़ेगा। होटल में आपको पता है कि रूम्स होते हैं, वहाँ पर कस्टमर जो होते हैं जब वो चले जाते हैं या फिर आने से पहले जो भी बेडशीट होती हैं उनको चेंज करना है, कमरे की सफाई करनी है, यानी हर चीज़ आपने जो है पहले की तरह करनी होती है। और इसके अलावा जो वॉशरूम वगैरह होते हैं, जो भी सफाई का काम होता है, वो सारा का सारा आप लोगों ने ही करना होता है। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ डैमेज हो गई है या ख़राब हो गई है तो आपने ठीक है अपनी टीम को इन्फॉर्म करना होता है ताकि उसको जल्द से जल्द फिक्स किया जाए। देखिए, जब आप जो है किसी भी होटल में एज ए क्लीनर या हाउसकीपिंग या किसी और तरह की भी जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं। मिसाल के तौर पर आपको खाना भी वहाँ पर मिल जाता है, और इसके अलावा फ्री वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, अकोमोडेशन भी कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है। नॉर्मली जब आप जो है इस टाइप की जॉब्स करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि आपकी जो सैलरी की रेंज होती है अराउंड 1500 के दरमियान होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपकी एजुकेशन नहीं होती और इस टाइप का आपको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपका जो सैलरी पैकेज है समझ लें कि स्टार्टिंग 1500 दिरहम से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि कंपनी सारे के सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं। तो जो भाई भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का आप जो विज़िट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके आप जो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा वेबसाइट के ऊपर और भी आपको जो काफ़ी जॉब मिल सकती हैं, आप उनका भी विज़िट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी शॉर्ट सी वीडियो क्लीनर और हाउसकीपिंग के हवाले से। होपफुली ये शॉर्ट सी वीडियो आप दोस्तों के काम आएगी। इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आप दोस्तों के माइंड में हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए।